हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज वाली वीडियो में हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं नोबिता की लाइफ को, कि नोबिता कैसे बड़ा हुआ, उसकी लाइफ में कैसे डोरेमोन आया और फिर बड़े होकर उसने कैसे अपने विलेज को जाइंट ज़ॉम्बीज से बचाया। तो ये सारी चीजें देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, 500 लाइक्स का एम है। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 30,000 सब्सक्राइबर्स। नाउ एंजॉय द वीडियो। तो गाइस नोबिता को हमेशा टेस्ट में जीरो मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि वो पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से बड़े होकर वो काफी ज्यादा गरीब होता है, और वो जैको से अपनी मैरिज कर लेता है, बट उसकी जो जनरेशन होती है वो भी काफी ज्यादा गरीब होती है। तो उसी के जनरेशन में से एक उसका पोता सेवासी जो है, उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसके दादा नोबिता की वजह से वो भी गरीब है। इसलिए वो एक काम करता है कि वो डोरेमोन नाम का एक रोबोट पास्ट में ले जाता है और जाके नोबिता को दे देता है। तो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि वो डोरेमोन का कैसे इस्तेमाल करता है और डोरेमोन उसे सक्सेसफुल बना पाता है। सो लेट्स बिगिन गाइस। गाइज हम लोग काफी ज्यादा गरीब हैं, इसलिए हम लोग इस गांव में रहते हैं, और इस गांव में हर बार कभी ना कभी ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है, और हमारे विलेजर चीफ उन ज़ॉम्बीज से लड़के हमें बचाते हैं। अरे मैंने आपको अपना विलेज तो दिखा ही नहीं, सबसे पहले मैं आपको अपना विलेज दिखाता हूँ। तो गाइज ये है हमारे विलेज के गोलम चाचा, और ये भी हमारी मदद करते हैं ज़ॉम्बी से बचने में, और ये भी लड़ते हैं। और यहाँ पर हमारे हैं लाइब्रेरियन चाचा। आयुष नोबिता आज तो स्कूल नहीं गया क्या? ओ भाई आज तो मैं स्कूल जाने के बारे में भूल ही गया आप सभी से बात करने के चक्कर में, और मैं लेट हो रहा हूँ। और ये क्या, मैंने तो अपना होमवर्क भी नहीं बनाया, मैं तो भूल ही गया था। लगता है कि मुझे आज भी पनिशमेंट मिलेगी। चलो सबसे पहले घर के अंदर चलते हैं, और ये मैंने ले लिया अपना बैकपैक, और अभी स्पीड में चलते हैं स्कूल की तरफ। चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, तुम केला खाओ, केला खाओ, केला खाओ, 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 खाकर तुमको मिलेगी शक्ति। घर में हो 24 घंटे, कर लो थोड़ी भक्ति। बाहर क्यों जाना जब है बनाना, तुम केला खाओ, केला खाओ, केला खाओ, खाओ। तो चलो फाइनली मैं भागते भागते आ चुका हूँ स्कूल तक, और फिलहाल अभी मैं चलता हूँ अंदर, और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे आए हुए हैं, मतलब मैं लेट हो चुका हूँ, तो फिर मुझे तो पढ़ने वाली है डांट। फिलहाल अभी मैं और अंदर चलता हूँ, और टीचर वहाँ पर हैं, और मैं चुपचाप जाके यहाँ पर बैठ जाता हूँ। आयुष नोबिता तू इस बार भी लेट है, यहाँ पे से निकल ले और जाके यहाँ पर कॉरिडोर में खड़ा रहे। आयुष क्या सर, सही में आयुष यहाँ पे से जा, अभी यहाँ पे पढ़ाई होगी और तू जाके वहाँ पे खड़ा रहे। आयुष ठीक है सर, यार मैं जा रहा हूँ, मैंने बोला ही था कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और लो भाई लेट होने के लिए मुझे पनिशमेंट मिल ही गई। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ जब तक सर वापस अंदर आने को नहीं बोलते। One eternity later. आयुष नोबिता आप जल्दी से अंदर आ जाओ। आयुष चलो गाइस फाइनली सर ने हमें फिर से अंदर बुलाया, तो जल्दी से अंदर चल के सीट पर बैठ जाते हैं। चलो फाइनली गाइस अभी मैं आके सीट पर बैठ चुका हूँ। आयुष नोबिता तू किससे बात कर रहा है? आयुष मैं वीवर्स से बात कर रहा हूँ सर। आयुष वीवर्स कौन, लगता है कि तेरा दिमाग सठिया गया है। आयुष बच्चों सभी के सभी अपने होमवर्क को यहाँ पर जमा कर दो। आयुष Few moments later. आयुष चलो फाइनली सभी के होमवर्क्स आ चुके हैं, और अभी मैं इन सभी को चेक करता हूँ। आयुष आयुष राहुल तुमने तो काफी अच्छा होमवर्क किया, अभी फिलहाल तुम जाओ। आयुष नोबिता फिलहाल तुम आओ। हाँ सर मैं आ रहा हूँ। चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, तुम केला खा। आयुष नोबिता ये क्या, तुमने तो होमवर्क ही नहीं किया है। आयुष देखो तुम्हारी बुक तो पूरी की पूरी सादी है। सॉरी सर मैं होमवर्क करना भूल गया था। आयुष तुम्हारा रोज का यही हो गया, लगता है कि तुम्हारी मॉम से बात करना पड़ेगा। आयुष चलो अब जाओ और जाकर बैठ जाओ। सॉरी सर अभी फिलहाल मैं बैठ जाता हूँ आके। आयुष बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी, और अभी सबके सब घर जाओ। आयुष चलो फाइनली छुट्टी हो गई, और मैं भी बाहर निकल जाता हूँ। इस स्कूल ने तो आज भाई हालत ही खराब हो गई, और चलो फिलहाल जल्दी से घर चलते हैं। तो उस रात जब नोबिता अपने घर पे गया सोने के लिए, तो उसने क्या देखा कि ज़ॉम्बीज का अटैक फिर से हो चुका है, और ज़ॉम्बीज सभी को मार रहे हैं। और ये चीज देखने के बाद नोबिता स्पीड में डर के मारे जाके सो गया। उस रात ज़ॉम्बीज का फिर से अटैक हुआ, और ज़ॉम्बीज सभी को मार रहे थे, ज़ॉम्बीज सभी विलेजर्स को मार रहे थे, और ये रात सही में बहुत ज्यादा डरावनी रात थी। उस रात विलेजर चीफ फिर से निकले सभी के सभी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। आज निकल लो ज़ॉम्बीज, तुम विलेजर चीफ के हाथों से नहीं बच सके थे, और मेरे लोगों को परेशान करना बंद करो। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। आज उस रात विलेजर चीफ ने सभी को बचा लिया, बट ये चीज उसी रात तक सीमित नहीं रही, ये चीज और भी बार होती ही रही। हेलो गाइस 5 साल बीत चुके हैं, और मैं भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ, और मैं अब तो 5 क्लास में पहुंच चुका हूँ।
अरे यार मैं बड़ा भी हो गया और 5 क्लास में भी पहुंच गया, बट मैं अभी भी लेट हो ही जाता हूं और आज भी मुझे लेट हो चुका है। फिलहाल अभी मैं स्पीड में अपना बैकपैक लेता हूं और निकलता हूं स्कूल के लिए। चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, तुम केला खाओ, केला खाओ, केला खाओ, 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 खाकर तुमको मिलेगा। ओ भाई वो सामने क्या, ये क्या, ये तो मेरे ही पास आ रहा है। ओ भाई ये है क्या चीज, मेरी पीछा क्यों कर रहा है ये चीज। और भाई इसके अंदर जो बंदा, ये तो मेरे ही जैसा दिख रहा है। ओ भाई ये है कौन, ओ ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है भाई, ये बंदा तो मेरे जैसा दिख रहा है, इसके साथ ये ढक्कन जैसा गोला सा कौन है। हेलो भाई तुम कौन हो। मैं सेवासी हूँ। सेवासी कौन, अरे ये मुझे मार कौन रहा है। ओ भाई मुझे मार कौन रहा है, ये ज़ॉम्बी, मैं इसे कैसे लड़ूंगा भाई। अरे यार अच्छा ये खुद जलकर मर गया। तो इसके बाद सेवासी ने नोबिता को समझाया कि वो उसका ग्रैंड सन है और वो फिर डोरेमोन को यहाँ पर छोड़कर चला गया वापस से फ्यूचर में टाइम मशीन का यूज करके। तो डोरेमोन तुम जो भी हो, तुम्हारी वजह से अभी मुझे और भी ज्यादा लेट हो चुका है स्कूल के लिए। अभी फिलहाल मैं स्पीड में स्कूल भागता हूँ और आने के बाद मैं इससे बात करूंगा। तो चलो गाइस अभी चलते हैं स्कूल में। One eternity later. तो फाइनली स्कूल खत्म हो चुका है और अभी चलते हैं उस डोरेमोन नाम के जो भी वो रोबोट है उसके पास और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करके देखते हैं। उसके बाद फिर डोरेमोन और नोबिता ने एक दूसरे से काफी ज्यादा बातचीत की और दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। और फिर डोरेमोन ने नोबिता को काफी सारे गैजेट्स दिए और फिर उसके बाद फिर नोबिता हमेशा बैम्बू कॉप्टर लगा के उड़ता रहता और उसने एक एनीवेयर डोर अपने स्कूल में रख दिया और एक अपने घर पे, जिस वजह से वो कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं होता था और वो हमेशा टाइम पे स्कूल पहुंच जाता था। एक दिन नोबिता बिग लाइट और स्मॉल लाइट के साथ खेलता रहता है। चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, तुम केला खाओ, केला खाओ, केला खाओ, 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 खाकर तुमको मिलेगी शक्ति। और फिर खेलने के बाद नोबिता चला जाता है वापस विलेज में, बट गलती से उसे बिग लाइट यहीं पर गिर जाती है और रात में वहां से एक ज़ॉम्बी गुजरता रहता है और वो फिर उस बिग लाइट को उठा लेता है और वो अपने साथ अपने साथियों को भी बड़ा कर लेता है और वो अटैक कर देता है विलेज पर। और नोबिता की वजह से ज़ॉम्बी से इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और उन्होंने अटैक भी कर दिया है विलेज पर। बट उस रात नोबिता की नींद टूटती है और नोबिता बाहर जाके देखता है तो विलेजर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़ॉम्बी का काफ़ी बड़ा अटैक वो देखता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो बचाएगा अपने विलेज को। वो जाता है डोरेमोन के पास और एयर कैनन लेके आता है और एयर कैनन से सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। ये लो ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे विलेज को तबाह नहीं कर सकते, ये लो। और काफी समय तक लड़ने के बाद नोबिता ने अपने विलेज को बचा ही लिया। और फिर कई साल बाद नोबिता ने डोरेमोन के बारे में अपने मॉम डैड को भी बताया और उन्होंने भी डोरेमोन को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर नोबिता के मॉम एंड डैड ने एक अच्छा घर लिया। बड़ा होकर नोबिता भी एक काफी अमीर आदमी बन गया। उसकी शादी सिज़ुका से हो गई और यही था भाई नोबिता का जिंदगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही धासु नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।